उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। आई होप के आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर नहीं तो उसे जीपीएस के साइट पर जाकर और आप उसे डाउनलोड कर लें। आपके लिए शुरुआत है अलंकारों के निर्माण की विधि और राग बागेश्वरी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अलंकारों के निर्माण की विधि, ठीक है? क्लास 7 अलंकार के निर्माण की विधि, अलंकार बनाए कैसे जाते हैं यह आपको बताऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़े से समझने की जरूरत है। जैसे कि आरोह में 7 स्वर है और 7 स्वर से ही उसको उलट पुलट कर अलंकार का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जैसे सा रे ग म प ध नी सा, अब इसको आप नंबर वाइज अगर करें तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 7 स्वर सा और ऑलरेडी है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम हर डिजिट को, हर सरगम को, हर अलंकार को, अगर हम हर स्वर को अगर हम दो बार रिपीट कर देते हैं तो एक नया सरगम बन जाता है। जैसे अभी है ये सा रे ग म प ध नी सा, ठीक। अब रो ऐसी तरह से होगा सा नी ध प म ग रे सा, जैसे सा रे ग म प ध नी सा में। अब अगर हम हर को दो बार रिपीट कर दें तो एक नया अलंकार का निर्माण होगा, जैसे सा इंटू टू क्या हो जाएगा, ये सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एज इट इज होगा, सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। क्लियर है? इस दो को अगर हम चाहें तो इंटू थ्री भी कर सकते हैं, सा इंटू थ्री क्या हो जाएगा, सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा सा सा। एज इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, सा 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 नी 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 ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। इसे हम चार भी कर सकते हैं, इनटू फोर सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नी 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 सा सा सा। और इसको अगर हम आकार में अगर हम कहें तो आकार में करने से गले की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आ
करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सा अगर फोर टाइम है तो वो फोर टाइम सा के आकार में क्लिक हो। वन टू थ्री फोर, जस्ट वन मिनट। तो सा के साथ आप सा इंटू फोर, सा इंटू सिक्स भी हो सकता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मामा मामा मामा। द्रुत लय में अगर हम आकार को साथ में गाएं, धीरे धीरे रियाज करते हुए, अगर मेरा स्वर सही लग रहा हो तो हम धीरे धीरे अगर द्रुत लय की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे गले में तान का जो कण होता है, तान में जो आंदोलन होता है, गले में जो आंदोलन होता है, इन चीजों की तैयारी बड़ी अच्छी होती है। जैसे सपोज अगर सा इंटू एट करें, सा 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 सा, रे 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 रे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो आपके जैसे इसमें करेंगे अगर उसमें दो से तीन नोट्स अगर हम मिलाते हैं, सपोज जैसे सारे का ही ले लेते हैं, उसको अगर हम एक टाइम करें रियाज के लिए, एक टाइम अगर हम सारे का करें और धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाएं, सपोज अब इसको गति बढ़ाते हैं इसकी, तो ये आपका तान, आपका गला बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है, सुर में आपका पकड़ अच्छा हो जाता है। तो आप एक ये हो गया कि सा को अगर टू टाइम आप रिपीट करते हैं तो एक नया अलंकार बनता है, थ्री टाइम करते हैं, फोर टाइम करते हैं, सिक्स टाइम करते हैं। लेकिन अब आप आते हैं इसको मिक्स करते हैं, कैसे? सपोज अगर इस दो डिजिट को हम एक कर दें तो क्या बन जाएगा, ये सा रे रे गा गामा मापा पाधा धनी नीसा। अब इसका लेखन पद्धति जो होगा कि अलंकार का निर्माण किया तो इसमें आपने क्या लिखा, सपोज फर्स्ट आप लिखेंगे जैसे ये सारे, तो इसके नीचे आपने ये किया अर्धवृत्ताकार किया और इसमें लिखा वन टू, कॉमा दे दीजिए ताकि पता चले ये ट्वेल्व नहीं लगे, सारे। अब ये होगा रेगा, आपने लिखा टू थ्री, तो एक नया अलंकार बन गया सारे रेगा गामा मापा पाता धनी नीसा। As it is descending order, sunny ni da da, sunny ni da da, papa mama ga ga re re sa. इसको आप कर सकते हैं। अब सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ये दो डिजिट हमने लिया, इसके बाद हम कर सकते हैं इसको दो के बजाय हम थ्री ले सकते हैं, थ्री अगर हमने किया तो कैमरा बन जाएगा सारे गा, एंड नेक्स्ट रेगा मा, दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे सा रे गा, इसके नीचे आ गया वन टू थ्री। अब इधर से फिर रे से बनेगा रे गा मा टू थ्री फोर। अगर इस तरह से हम करते तो एक और नया अलंकार बन गया, जैसे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा, आला इस तरह से अलंकारों का निर्माण आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब इनको आपने क्या किया, सपोज ये तीन आपने किया, इसको आप चार भी कर दें तो फिर हो जाएगा वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर फाइव, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। एक नया अलंकार बन गया फोर डिजिट का, इसको हम चाहेंगे तो फाइव भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे सा। क्लियर है? वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भी हो सकता है, सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सारे गामा पादा रे गामा पादा नी गामा पादा नी सा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। आप इस तरह से अलंकार बनाते चले जाते हैं। अब इसमें अगर करें थोड़ी सी और तब्दीली, थोड़ा सा बदलाव,
जैसे हमने शुरुआत में ये तीन डिजिट लिया था, अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे सा रे दो इंटू इसको हम टू कर दें और ग को हम सिंगल कर दें। अब इसी तरह से हम बताते चले जाएं, दो डिजिट तीन को हमने लिया, लेकिन तीन को क्या किया हमने, सारे को दो बार रिपीट कर देंगे। अब क्या सरगम बन जाता है, सारे सारे ग, रे ग रे ग म, ग म प, म प म प द, प द प ध नि, ध नि ध नि सा, सा नि सा नि ध, नि ध नि ध प, ध प ध प म, प म प म ग, म र म ग रे ग रे ग रे सा। अब इसको आलाप में करें, आ देखिए तान कितने अच्छा तैयार हो जाता है ये। अगर आपने सारे सारे को दो बार रिपीट करके ग सिंगल रखा आपने और उसको एक कंटिन्यूटी में जोड़ दें, जैसे सारे सारे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प द प द प द नि ध नि ध नि सा। अब इसका तान आप कीजिए, अगर आपने स्लो स्लो से प्रैक्टिस किया हो, फिर आप द्रुत गति में अगर आ गए हो तो कैसा बन जाएगा, हो गया। इस दो को हम चाहें तो तीन कर दें, क्या बन जाएगा, सारे 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 का, सारे 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 गा, फिर इस तरह से बनेगा रेगा 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 मा, गामा 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 पा, मापा 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 था। जो हम पहले वाले में बदलाव करेंगे वही हमारा सा तक जाएगा, सा से सा तक जाएगा। अब ये इसको हम थ्री टाइम किए तो क्या बन गया, सारे 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 गा, रेगा 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 मा, गामा 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 पा, मापा 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 था, पद 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 नी धनी 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 सा, सनी 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 धनी 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 ध, पद 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 प, मापा 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 मा, गामा 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 रे गा रे गा रे गा रे सा। इसका तान यह आपके रियाज के लिए, आपको सुर में आने के लिए यह बहुत बड़ा मंत्र है आपके लिए। जो गायकी में लगाव रखते हैं, वो बच्चे जो गायकी सीखना चाहते हैं, वो बच्चे जो पहले से ही गा रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए ये एक रामबाण की तरह है जो आपके गले को बहुत ज्यादा सुरीला कर देता है। अब देखिए अलंकार को आगे बढ़ाते हैं, सारे सारे को हमने थ्री टाइम किया, ग सिंगल है, अगर हम ग को टू टाइम कर दें क्या बन जाएगा, सारे 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 का ग, क्लियर है, सारे 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 का गे 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 मामा गमा 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 पापा मापा 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 धा पधा 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 नी नी धनी 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 सा सा डिसेंडिंग सनी 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 धा नी धनी धनी धा पापा धा पधा पधा पापा मापा 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 का निर्माण कर सकते हैं। सारे 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 गागा हो गया, आप इसको चाहें तो कुछ और बदल सकते हैं, यह आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप सरगम को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे इसको अगर हम कर दें, सारे 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 गम, एक तो आप चाहें तो सपोज जैसे आपने किया सा, फिर आपने किया सा रे सा, एक पिरामिड जैसा बनता है, फिर आपने किया सा रे ग रे सा, मतलब आप सा से शुरुआत करते हैं और फिर सा पर ही आकर ठहरते हैं और ये क्रम आपका होता है सा से सा तक। आपने क्या किया, सा सा सारे सा सारे ग रे सा, जैसे सा पहले सा में हम स्वर लगाएंगे, सा सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग रे सा, सारे ग म प ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। समझ में आई बात, बहुत इजी है। हमने क्या किया, सा से शुरुआत किया और सा से एक कदम आगे बढ़ के, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि वन फॉरवर्ड वन रिवर्स,
आप जहां तक गए वहां से फिर आप रिवर्स हो जाते हैं अपने ऑन स्पॉट पे, फिर आप एक कदम और बढ़ते हैं, फिर आप आकर वापस उसी जगह पे रुकते हैं। फिर से एक बार कहता हूं, जैसे सा सारे सा सारे गरे सा सारे गामा गरे सा सारे गामा पामा गरे सा सारे गामा पाधा पामा गरे सा सारे गामा पाधा नीधा पामा गरे सा सारे गामा पाधा नीसा सा नीधा पामा गरे सा। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे बनेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तार सप्तक का पहले सा लिखाएगा और इस पे होल्ड करेंगे, क्या हो गया स, तार सप्तक स, फिर यहां से हम आएंगे एक कदम आगे पीछे आए फिर वहीं पहुंच गए स स नी सा पे होल्ड किया पहले स सानी सा नी धनी सा नी ध प ध नी सा नी ध प म प ध नी सा नी ध प म ग म प ध नी सा प ध नी सा नी सा। उसके बाद जैसे सा नी ध नी सा, नेक्स्ट सा नी ध प ध नी सा, इसी तरह से बनेगा। अब इसको गाने के क्रम में कैसा होगा, सा सा सारे सा सारे गरे सा सारे गा म गरे सा सारे गा म प म गरे सा सारे गा म प ध प म गरे सा सारे गा म प ध नी ध प म गरे सा सारे गा म प ध नी सा सारे गा प म गरे सा। ये इसका आरोह हो गया, आरोह। अब अवरोह सा सा नी सा सा नी ध नी सा सा नी ध प ध नी सा सा नी ध प म प ध नी सा सा नी ध प म ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा नी ध प सारे गा म प ध नी सा। फिर से एक बार करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर, सा सा नी सा सा नी ध नी सा सा नी ध प ध नी सा सा नी ध प म प ध नी सा सा नी ध प म ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा सारे गा म प ध नी सा। अब इसमें अगर आप तान का प्रैक्टिस करें आप, जैसे आ आ आ आ आ आ आ आ, मैं हारमोनियम पर गाकर दिखाता हूं इसे। सारे गा म ग रे सा सारे गा म प म ग रे सा सारे गा म प ध प म ग रे सा सारे गा म प ध नी ध प म ग रे सा सारे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा 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 नी सा सा नी ध नी सा सा नी ध प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा नी ध प म ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे गा म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सारे गा म प ध नी सा। ता अलंकार बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने मन से या जो हमने बताया, अगर यह मेथड आपको याद हो गया हो, जो बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है, अगर यह आपको याद हो गया है तो आप लोग अपने अपने म्यूजिक नोटबुक में पांच पांच अलंकार बनाकर आप रखेंगे। आप अपने म्यूजिक नोटबुक में पांच पांच अलंकार आप बनाएंगे और यह मैं किस तरह से चेक कर पाऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मैं आपके इस बनाए हुए अलंकार को मैं किस तरह से चेक करूंगा, या मैं जो आपको सिखा रहा हूं, कुछ भी सिखाता हूं, सपोज मैं कुछ आपको गाने बता रहा हूं, वो मैं आपसे दोबारा कैसे सुनूंगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊंगा। आप लोगों का है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी ये काफी थाट की रचना है,
काफी थाट का ये प्रसिद्ध राग है, राग बागेश्वरी। मुझे याद है शायद मैंने आप लोगों को राग काफी में एक बंदिश भी गवाया था। एक होली मैंने आप लोगों को गवाया था, इसमें वक्त मिला तो किसी दूसरे वीडियो में फिर से आप लोगों को गवाऊंगा। आज राग बागेश्वरी में सबसे पहले जानेंगे कि ये किस थाट से है। तो इसकी थाट है काफी, काफी थाट से इस राग का निर्माण हुआ है। इसके आरोह में रे और प, कौन कौन से, रे ऋषभ, प पंचम, ये दोनों स्वर वर्जित हैं। और इसके अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग हुआ है। आरोह में रे और प स्वर वर्जित हैं, अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग है, इसलिए इसकी जाति हो गई औरब संपूर्ण। दो स्वर अगर वादी हो गए, दो स्वर अगर आपको आरोह में वर्जित हो गए तो बचे कितने, पांच स्वर। तो पांच स्वर का जाति बनता है औरब, और अवरोह में सातों स्वर हैं तो इसकी जाति क्या बनता, तो पांच स्वर का जाति बनता है औरब, और अवरोह में सातों स्वर हैं तो इसकी जाति क्या बनती है, संपूर्ण। और दोनों को मिला देंगे आरोह अवरोह के आधार पर तो इसकी जाति हो गई औरब संपूर्ण। इसमें वादी स्वर म है और संवादी स्वर सा है। वादी स्वर म मध्यम, संवादी स्वर सा सरज, और गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसके संप्रकृति राग जो है वो है राग भीम पलासी, बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। संप्रकृति का मतलब ही होता है कि सम मीन्स बराबर, प्रकृति मीन्स स्वभाव, नेचर। तो जिसका स्वभाव आपस में मिलता है जिस रागों का, तो उसे कहते हैं संप्रकृति राग। इसका बताते हैं हम आपको आरोह और अवरोह। इस राग में क, ग और नी, इस राग में ग और नी ये दोनों ही कोमल स्वर हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध हैं। इसका आरोह और अवरोह गाते हैं लोग। कैसे,
स्वर सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कौन करत तोरी बिनती पियरवा मानो ना मानो हमरी बात यह स्थाई है अंतरा जब से गए मोरी सुध हू ना लीनो काहे सौतन के घर जात। मैं आपको इस बंदिश को सिर्फ गा दे रहा हूं इसके अगली वीडियो में फिर मैं आपको इसके आठ मात्र के तान सोलह मात्र के तान ठाह की और दुगुन लय की वो मैं आपको बताऊंगा। तोरी बेनती पियरवा कौन करत है तोरी बेनती पियरवा मानो न मानो जब से गए
तोरी बेनते ते हरवा।